नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। कन्नौज अवैध असले की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पाई पुलिस ने सफलता। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तरीके से तैयार किए गए असला बरामद करते हुए घटना का खुलासा किया, लेकिन पकड़े गए आरोपी का कहना उसने 10 वर्ष पहले ये धंधा छोड़ दिया था। पुलिस उसे जबरन फंसा रही। उसके कब्जे से कोई असला आदि बरामद नहीं किया गया और ना ही इस सभी सामान से उसका कोई लेना देना है। घर से सोते समय पहुंची पुलिस ने उसे उठाकर अपने साथ ले आई। कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सदर कोतवाली के ग्राम सरियापुर निवासी लल्लन मिश्रा के बाग में बनी फूस की झोपड़ी में तीन व्यक्तियों द्वारा अवैध असला बनाने की सूचना पर गठित पुलिस टीम ने उस जगह पर छापेमारी कर एक व्यक्ति श्रीपाल उर्फ गुड्डू उर्फ मलिक शर्मा पुत्र रामचरण को गिरफ्तार किया, जिस पर 1985 से 2004 तक आम एक्ट के 10 मुकदमे जनपद हरदोई के बिलगाम थाने में दर्ज होने की जानकारी पुलिस को दी गई। अब सवाल ये उठता है, यदि वे इस धंधे को करता रहा तो पिछले 14 साल से एक बार वे पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चला, जिस कारण उसके खिलाफ 14 साल से कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने ये धंधा ही छोड़ दिया हो, क्योंकि पकड़े गए आरोपी ने मीडिया के सामने जो खुलासा किया उस पर यकीन करना लाजमी हो सकता है, क्योंकि उसका कहना था कि 10 साल पहले अधिक समय से वे इस काम को पूरी तरह से बंद कर मेहनत मजदूरी से अपनी जिंदगी गुजर कर रहा था। पुलिस उसे फर्जी तरीके से फंसा रही। पुलिस द्वारा बरामद किए गए असलों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसका कहना है कि घर से सोते समय पुलिस उठा लाई और उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उसे फर्जी फंसा रही। कन्नौज में जो अवैध असला रखने वाले और बनाने वालों के खिलाफ काफी समय से अभियान चलाया जा रहा है, इसी के क्रम में हमारी एसओजी टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम श्रीपाल उर्फ गुड्डू उर्फ मलिक शर्मा पुत्र रामचरण, ये ग्राम जरोली नवादा जनपद हरदोई का रहने वाला है। इनका काफी लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके खिलाफ जो प्रथम मुकदमा है वो सन 1985 का आर्म्स एक्ट का पंजीकृत है। इसके अलावा भी जनपद हरदोई में इनके खिलाफ और 10 मुकदमे पंजीकृत है आर्म्स एक्ट के, और इनको अवैध असला बनाने की फैक्ट्री संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से काफ़ी बने हुए और अध बने हुए असले हमने बरामद किए हैं, जिसमें 2 अदद देसी राइफल है 315 बोर की, 1 अदद देसी बंदूक है, 1 तमंचा 315 बोर का है, 4 हाफ बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं और 4 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं?